हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी राज्य सरकार के रिकॉर्ड्स में इस सड़क का काम 2 साल पहले ही ठेकेदारों ने खत्म कर दिया है, जिसके लिए उन्हें पूरी पेमेंट भी हो चुकी है। हम अपने ग्लोबल न्यूज के सभी दर्शकों को इस पक्की सड़क के एक दर्शन कराना चाहते हैं जो आपके टैक्स के पैसों से बनाई गई है। फिर मिलते हैं एक नए खुलासे के साथ। मैं हूं कैमरामैन रिपोर्टर अनुराग प्रधान, ग्लोबल न्यूज के लिए। खबरों के सनसनीखेज कारोबार में खबरों के बाहुबली अपने आप में सत्ता का एक केंद्र होते हैं। प्रिंट और टीवी के कई पत्रकार सेलिब्रिटीज बने हुए हैं और उन्हें मानो वीवीआईपी का स्टेटस हासिल है, लेकिन लोकल टीवी चैनल्स के मेहनती सच के सिपाही अपनी जंग निहत्ते और अकेले लड़ते हैं। अपनी बीट को शिद्दत से कवर करते करते वो काफी कुछ ऐसा अनकवर कर जाते हैं जिसकी वजह से बहुत से शक्तिशाली लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। अनुराग, कौन सी दुनिया में रहते हैं? हम पत्रकारों का काम लोगों को सिर्फ सच्चाई दिखाना नहीं होता। तो फिर हमारा काम है क्या? गिरीश जी, आप ही बताइए, सच ना बताएं तो और क्या बताएं? यार, ये आदर्शवाद के डायलॉग फिल्मों के लिए छोड़ दो। रियल लाइफ में हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द कितनी सच्चाइयां घूमती हैं, उनमें से कौन सी चुननी है, कौन सी छोड़नी है, बस ये खेल है। गिरीश जी, मैं पत्रकारिता शौक के लिए करता हूँ, मुझे सच का शौक। अब किसी को बुरा लगता है तो लगे, जाके चैनल में मेरी शिकायत कर दे, कोर्ट चला जाए, मेरा काम रुकने वाला नहीं है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? यही अनुराग प्रधान, बहुत पर निकल आए इसके। हम पर नहीं काटते, सीधे पंछी को ही काट डालते हैं। भाई ये समस्ती नगर किधर है? समस्ती नगर यहाँ से आप सीधे जाएंगे ना, ये रोड पकड़ के वहीं पड़ेगा। एक काम करो, मेरे पीछे आ जाओ, मैं वहाँ से होके गुजरूंगा। लेकिन हम आपके पीछे नहीं आ सकते। क्यों भाई? क्योंकि आप समस्ती नगर जा ही नहीं रहे। मतलब? हेलो, कहाँ अनुराग भैया, कब से फोन कर रहा हूँ? सुनिए, मैं अनुराग नहीं हूँ। कौन है अनुराग भैया, कहाँ पे? देखिए, मैं बेलगाटून रोड पर हूँ, लगता है यहाँ कोई एक्सीडेंट या ऐसा कुछ हुआ है। अब अनुराग भैया ठीक तो है ना? ठीक नहीं लग रहे, पर आप जल्दी आइए यहाँ। क्या हुआ सुब्रत, किसका फोन था? अभी किसी राह चलते आदमी ने फोन उठाया, उसने कहा अनुराग भैया का एक्सीडेंट हो गया। मैं वही जा रहा हूँ अभी। क्या हुआ, तूने अनुराग से बात तो की ना? सब ठीक है ना? कुछ बोल ना बेटा। क्या हुआ सुब्रत? मैं एम्बुलेंस लेकर जा रहा हूँ, रास्ते में सुरेश भैया से बात कर लूंगा। ए, रुको, हम लोग भी आ रहे हैं। हाँ सुब्रत बोल। हेलो सुरेश भैया, वो अनुराग भैया का एक्सीडेंट हो गया। क्या, ठीक तो है वो? सीरियस तो नहीं है? पता नहीं भैया, हमें भी किसी ने फोन पे बताया, हम सब एम्बुलेंस लेके जा रहे थे तब पता चला कि किसी ने उन्हें बेलगाटून हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मैं अभी निकल रहा हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अनुराग का एक्सीडेंट हो गया। क्या? सॉरी, पेशेंट डेड ऑन अराइवल था। आप ठीक से चेक कीजिए ना,
भैया का तो एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था। आप आइए। देखिए, आपके भैया का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनका किसी ने मर्डर किया है। मर्डर? हाँ भैया, डॉक्टर ने कहा है कि उसने पुलिस को खबर कर दी। सुब्रत, ये सारा काम जरूर उस कुत्ते चिंतन प्रधान का है। ये किसी चॉपर तलवार जैसी तेज धार वाली हथियार का वार है। जुगुलर वेन के कटने से ब्लीडिंग तो जल्दी हुआ होगा, विक्टिम की मौत तो मिनटों में हुई होगी। बॉडी पर कोई और इंजरी तो नहीं दिख रही? वैसे और कोई निशान नहीं दिख रहा है, विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल भी नहीं था। एक घंटे से मैं अनुराग भैया को फोन करता रहा, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। किस लिए फोन कर रहे थे? घर आने का टाइम हो गया था सर। टीवी रिपोर्टर्स फिक्स टाइम पर घर लौटते हैं क्या? मेरे पति 9 बजे तक घर आ जाते थे, जब वो 9:30 बजे तक घर नहीं आए तब मैंने सुब्रत को कहा कि फोन करके देखो जरा। और आदमी ने फोन उठाया और उन्होंने कहा कि भैया का एक्सीडेंट हो गया। कौन था वो आदमी? मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है सर। अनुराग प्रधान को जानते थे? अनुराग प्रधान? अपना ग्लोबल न्यूज वाला अनुराग प्रधान था वो। लाश तुमने देखी थी? इतना ध्यान नहीं दिया साहब, खून बहुत निकला था, बस मैंने फोन पर बताया उसके भाई को। और तुम्हें लगता है कि उसके भाई की तरह मैं भी तुम्हारी कहानी मान लूँ? सच कह रहा हूँ साहब, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस मैंने सड़क पर एक आदमी को पड़ा देखा और सोचा उसकी मदद करूँ, और जो हो पाया साहब किया, एक अच्छे नागरिक की तरह। उसे लेके कैसे आई? ये साहब वहाँ से गुजर रहे थे तो उनकी मदद से मैं यहाँ आया। अपनी डिटेल्स कांस्टेबल को लिखवा दो। ठीक है सर। सुब्रत, अनुराग का बोलना कहाँ है? ये कौन है? जी, हमारे सबसे बड़े भैया। एडवोकेट सुरेश प्रधान है ना ये? जी हाँ सर। ये पिछले हफ्ते हमारे थाने में आए थे, एक केस में नाम आया था इनका। क्या केस था त्रिवेदी? असॉल्ट का केस था सर। सर, उस हमले में जो जख्मी हुआ था उसका नाम है चिंतन प्रधान, वो भी एडवोकेट। उसने इस एडवोकेट सुरेश प्रधान पर उस हमले का इल्जाम लगाया था। शक तो बस एक ही आदमी पर है। नाम? एडवोकेट सुरेश प्रधान। ये सब उसी का किया कराया है। वजह? दुश्मनी। कैसी दुश्मनी? मैं हूं एडवोकेट सुरेश प्रधान। जी देखिए, मेरी चिंतन प्रधान से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन उसकी मुझसे और मेरे पूरे परिवार से दुश्मनी। आपके हिसाब से क्या वजह है इस दुश्मनी की? जलता है वो मुझसे। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज अरीनाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो आज भी बेलगातून मेट्रोपोलिटन कोर्ट के बाहर घूमता रहता है, वो एफिडेविट बनवाने वालों की खोज में। आप चाहो तो गाँव में किसी से भी पूछ सकते हो, सब लोग यही कहेंगे। हम अपना पूछना तलाशना करते रहेंगे। आप बताइए, कल रात आप कहाँ थे? मैं गाँव में था ही नहीं, मैं 2 दिन से मिर्जाबाग गया हुआ था एक केस के सिलसिले में। आज सुबह ही घर पहुंचा, तो मेरा इस अटैक में शामिल होना नामुमकिन है। वकील हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमला हमेशा रिमोट कंट्रोल से करवाया जाता है, कराने वाले से करने वाला ज्यादा शातिर होता है। त्रिवेदी, कोई सबूत मिला था क्या सुरेश प्रधान के खिलाफ? नहीं सर, अब तक कोई सबूत नहीं मिला। Oh, my God.
मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि अनुराग को उस चिंतन ने मारा है। जब उस पर अटैक हुआ था तो उसने आपका नाम लिया था, अब जब आपके भाई का कत्ल हुआ है तो आप उसका नाम ले रहे हैं। पर मेरे खिलाफ आपको सबूत का एक कतरा भी मिला नहीं? मिला ना, पता है क्यों? क्योंकि कोई सबूत था ही नहीं। चिंतन जलन के मारे खूनी बन गया। सर, उसने हमारे घर पे आके धमकी भी दी थी। कब की बात है? 4 दिन पहले सर, जब पुलिस को सुरेश भैया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तब वो आया था। चिंतन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो? अरे मैं तो होश में हूँ काका। और काका, आपका नाम दशरथ है लेकिन धृतराष्ट्र की तरह एकदम अंधे हो चुके हो, या फिर अंधा होने की एक्टिंग कर रहे हो? सब जानते हैं कि सुरेश ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। बेटा चिंतन, तुम मुझे धृतराष्ट्र कह रहे हो ना, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बेकार की जलन में तुम खुद अंधे हो गए। अरे तुम्हारे इन आरोपों को कोई नहीं मानेगा बेटा, ये बेकार की दुश्मनी छोड़ दो। अरे सुरेश से कुछ सीखो। अच्छा, मैं सीखूं सुरेश से? काका, अब सीखना उखना नहीं, अब मैं सिखाऊंगा, आप सबको सबक सिखाऊंगा। सुरेश ने मेरा खून बहाया ना, तो ठीक है, अब खून के बदले खून ही बहेगा। और आप लोग मुझे ये सब अब बता रहे हैं? अरे वो चिंतन घर पे आया था, मुझे फोन करना चाहिए ना बाबा। हाँ बाबा, इतना कुछ सुना के चला गया, एक बार फोन तो करना चाहिए था। अरे तो उसके मुलक के होने क्या वाला है? चलिए छोड़िए ये सब, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं वैदी रुको, मैं उस चिंतन से मिलके आता हूँ आज। अनुराग रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो भैया मैं भी चलता हूँ। तुम चुप बैठो, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है ना, चिंतन वकील कम गुंडा ज्यादा। हाँ तो बाबा, उसकी हर चीज बर्दाश्त करते रहेंगे हम लोग। मैंने कहा ना, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। हाथ मुंह धो और खाना खाने बैठो, चलो। बाबा सिर्फ आपके कहने से रुक रहा हूँ मैं, अगली बार से अगर वो हमारे घर आया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पति को चिंतन प्रधान ने मार डाला, वो सिर्फ सुरेश भैया से नहीं, मेरे पति अनुराग से भी बहुत जलता था। बहुत रोका था मैंने अनुराग को, हमें तब के तभी चिंतन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए थी, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। देखिए दशरथ जी, माना कि हम कत्ल को नहीं रोक पाए, पर हम कातिल को रोकेंगे जरूर। किसी भी गलत आदमी को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि वो गुनाह करके गुमनाम हो सकता है। एक होनहार और मेहनती स्ट्रिंगर जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी, यह खबर पूरे इलाके में ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैल गई। विक्टिम अनुराग प्रधान के परिवार की उनके दूर के रिश्तेदार चिंतन प्रधान के साथ बहुत पुरानी अनबन थी जो अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। इतना ही नहीं, मर्डर के बाद चिंतन प्रधान क्राइम सीन पर आया भी था। क्या ये वाकई एक ओपन एंड शट पारिवारिक दुश्मनी का केस था? चिंतन प्रधान का जी, मुझे पता नहीं सर, कल रात से घर नहीं आए और मोबाइल भी बंद है। नंबर दो उसका। The number you have called is currently switched off. कोई और भी नंबर है क्या जो तुम मुझे दे नहीं रही हो? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। घर कितने बजे लौटता रोज? 9:30 तक आ जाते हैं। राउत, अपनी एक टीम 24 घंटे इस घर पर नजर रखेगी। ओके सर। चिंतन को बताने की गलती मत करना, वो तो डूब ही रहा है, तुम्हें भी ले डूबेगा। सर हर रोज 8:30-9 के बीच में चाय की दुकान पर हमारा अड्डा लगता है, उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन कुछ हुआ था तुम्हारी उस चाय की दुकान पर? नहीं सर, कुछ भी नहीं, बस सर हमारी रोज की बातें और डिस्कशन चल रही थी और उसके बाद सर हम सब लोग घर को निकल गए। अनुराग का कोई पीछा कर रहा था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। अनुराग की किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर अनुराग हमारी तरह स्ट्रिंगर था और हमारे प्रोफेशन में लोग नाराज तो हो जाते हैं लेकिन इस तरह से मर्डर करवाना, ये तो आतंकवाद है सर। यू शुड टेक अ स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन। हम लोग जो भी काम करते हैं लोगों के लिए करते हैं, इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। दुश्मनी अक्सर व्यक्तिगत ही होती है मिस्टर गिरीश चौहान, खास करके जानलेवा दुश्मनी। खैर, अनुराग इन दिनों कौन सा एरिया कवर कर रहा था? सर वो काफ़ी टाइम से बेलगातुंड कवर कर रहा था और काफ़ी गहराई में घुस गया था सर वो उस एरिया में। अनुराग की कोई एक खासियत? आदर्शवाद। कोई एक खामी?
आदर्शवाद। सलाम सर। साहब चिंतन प्रधान इस गांव में काफी सारे लफड़े कर चुके हैं, हर दूसरे के साथ झगड़ा है उसका। तुझे क्या लगता है गुड्डू, चिंतन ने अनुराग को मरवाया होगा? इस बात की अभी तक तो कोई ठोस खबर मिली नहीं है, शायद ऐसा भी हो सकता है, जो हमें दिख रहा है असल में ऐसा कुछ है नहीं। कहाँ मिलेगा कहाँ ये चिंतन? सुना है वो अपने ससुर के घर काफी आता जाता है। ससुराल कहाँ है उसका? भुवनपुर गांव। नहीं नहीं सर, इस केस के मैं पैसे नहीं लूंगा सर। ये अनुराग प्रधान एक तरह से हमारी बिरादरी का था, जैसे हम आपको खबर देते वैसे ये जनता को देता था सर। सर मैं उबनपुर जा रहा हूँ, चिंतन का ससुराल है वहाँ। फोन रिकॉर्ड्स पे कोई मूवमेंट? सर आज शाम तक अनुराग और चिंतन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। प्रेशर बनाए रखो त्रिवेदी, अगले 24 घंटे में अगर हमने किसी को अरेस्ट नहीं किया ना, ये चिंगारी आग पकड़ सकता। हम इस वक्त ग्लोबल न्यूज के रिपोर्टर अनुराग प्रधान के क्रियाक्रम से रिपोर्ट कर रहे हैं। बेल का तुन बीट कवर करने वाले स्टिंगर की मौत ने सारे अरीनाबाद में खलबली मचा दी है। अनुराग प्रधान केवल 30 वर्ष का था और अपने पीछे एक शोक में डूबा परिवार और एक शॉक से सुन पत्रकार समुदाय को छोड़े जा रहा है। कौन है अनुराग प्रधान के मर्डर के पीछे, कहां पहुंची है पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इस सनसनी केस का मिनट बाय मिनट कवरेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अरीनाबाद लाइव। या नहीं है? मैं वही तो कह रहा था सर, चिंतन यहाँ नहीं है। आप यकीन क्यों नहीं करते? हमने सुना है वो काफी वक्त यहाँ गुजारता, ये उसका ससुराल, उसका दूसरा घर है। दामाद है हमारा, हक से आता है, रहता है हमारे साथ। मिश्रा जी वो दिन दूर नहीं है जब आपका ये खूनी दामाद किसी सेंट्रल जेल का दामाद होगा, और अगर आप उसका साथ दे रहे हैं तो आप भी उसी जेल में सड़ेंगे। देखिए इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं है, मेरा दामाद वकील है, कानून जानता है। वकालत का लाइसेंस वकालत करने के लिए मिलता है, गुंडागर्दी और खून करने के लिए नहीं। हमें शक है कि अनुराग के खून में चिंतन का हाथ है। कहां हो सकता वो, ले चलो इसको। सर सर मुझे कुछ नहीं पता है सर। सर मुझे इतना पता है कि वो मेरे जीजा जी का रिश्तेदार रहता है जेरातपुर में, वो शायद वहाँ हो सकते हैं सर। एड्रेस बोल। The number you are trying to call is currently switched off. हाँ त्रिवेदी बोलो। सर चिंतन का फोन अब भी बंद आ रहा है, उसके ससुराल से पता चला कि वो जेरातपुर में अपने रिश्तेदार रविंद्र ठाकुर के घर पे हो सकता है। मतलब चांस है त्रिवेदी, तुम एक काम करो, ये चिंतन और अनुराग के फोन रिकॉर्ड्स निकालो, उससे साफ हो जाएगा कि अनुराग का जो मर्डर हुआ है वो चिंतन से दुश्मनी की वजह से हुआ है या फिर घर के अनबन की वजह से। सुरेश भैया हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले से उस चिंतन को सबक नहीं सिखाया। अनुराग की मौत का बदला हमें किसी भी कीमत पर लेना ही होगा, दुश्मनी बढ़ती है तो भले ही बढ़े। अनुराग का दुश्मन हमारे इस चैनल का दुश्मन है, आज अनुराग मारा गया कल को हम में से किसी एक की भी बारी हो सकती है। सर पुलिस को अनुराग के रिश्तेदार चिंतन प्रधान पर शक है, ये कोई फैमिली मामला लगता है। ऐसा भी क्या फैमिली मामला है? ऐसा सुनने में आया कि अनुराग के बड़े भाई सुरेश से ये चिंतन प्रधान बहुत जलता था। पर ये अनुराग के मर्डर की वजह कैसे हो सकती है गिरीश? ये पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अनुराग के मर्डर से पहले तुम लोग एक साथ में थे ना, तो तुमने किसी आदमी को देखा उसका पीछा करते हुए या कुछ ऐसा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि चिंतन ने अनुराग का पीछा किया और उसने छुरे से उसका मर्डर कर दिया। सर अब चिंतन ने खुद उसका मर्डर किया है या किसी से करवाया है ये तो पुलिस तहकीकात के बाद पता चली जाएगा।
सर, चिंतन के फोन रिकॉर्ड्स, लास्ट लोकेशन फोन स्विच ऑफ करने से पहले, ये रहा। बेलकातुन रोड, ये तो क्राइम सीन का एरिया है। चिंतन प्रधान का क्रिमिनल बिहेवियर इससे भी पहले कई बार दिख चुका है। अनुराग की फैमिली से उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी और वो कत्ल की रात उसी वक्त उसी जगह मौजूद था। अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो अनुराग प्रधान के मर्डर में चिंतन का हाथ होना एकदम स्वाभाविक है, मानो दो राय नहीं। लेकिन सर त्रिवेदी, जिस बात में दो राय होना जरूरी नहीं लगती, उसमें कोई ना कोई तीसरी पॉसिबिलिटी निकल आती। मैं समझा नहीं सर। देखो, बेलकातुंड रोड से बेलकातुंड वासी जितने भी लोग हैं वो सब अपने घर वापस लौटते होंगे। ठीक है सर। अब अनुराग के जैसे ही चिंतन भी 8 से 9 के बीच में अपने घर वापस लौटता था। करेक्ट सर। तो ये भी तो हो सकता है कि अनुराग अपने घर वापस लौट रहा था और रास्ते में उसने अनुराग प्रधान को मरे हुए देखा। वो अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हुआ होगा, लेकिन वहां से चुपचाप भाग खड़ा हुआ ताकि उसका नाम ना आए, उसमें कोई शक ना। और सर, यह अनुराग प्रधान का फोन रिकॉर्ड, मौत के तुरंत बाद उसके छोटे भाई सुब्रत के कई सारे फोन कॉल्स आए। सर, मौत से 10 मिनट पहले अनुराग को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था, सिर्फ 30 सेकंड का कॉल था। नंबर है 444-56734। हेलो त्रिवेदी, इस नंबर को ट्रैक डाउन करो। आप चिंतन को कब गिरफ्तार करने वाले हैं? देखिए, हम लीड्स फॉलो कर रहे हैं। आप उसे पकड़ क्यों नहीं पाए? वो मेरे भाई का कातिल है। आप जितनी देर लगाएंगे वो उतना दूर भाग जाएगा। आपके भाई का कत्ल किसने किया है ये पता लगाना हमारा काम है। सबूत बताएंगे कि कातिल कौन है, आपने। देखिए सर, आप लोगों के लिए महज एक दूसरा केस होगा। मेरे पूरे परिवार पर कहर टूट पड़ा है और आप लोगों को पता भी नहीं है कि चिंतन है कहाँ। अगर हमें पता भी होगा कि चिंतन कहाँ है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपके साथ शेयर करेंगे? देखिए, अभी आप अपने घर जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए, प्लीज। त्रिवेदी, मेरा तजुर्बा बोल रहा है कि इस केस में 2 और 2 4 नहीं है। चिंतन का गुस्सा सुरेश पर था तो भला अनुराग का कत्ल क्यों करेगा? कुछ एक कोई कड़ी मिसिंग है त्रिवेदी। सर, आपको इस सुरेश प्रधान पर शक हो रहा है क्या? मुझे चिंतन को छोड़कर किसी और पर शक हो रहा है, और वो कौन है फिलहाल मुझे नहीं मालूम। त्रिवेदी, तुम एक काम करो, अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दो और पता करो कि दशरथ के 2 बेटे राम और लक्ष्मण की तरह थे या फिर रावण और विभीषण की तरह। राज, ये फुटेज फटाफट ट्रांसफर कर, 2 घंटे के अंदर ये स्टोरी एयर पे जाने वाली है। ठीक है। हेलो, क्या अनुराग का फोन आया था कत्ल के 10 मिनट पहले? हाँ, कत्ल से 10 मिनट पहले। और उस वक्त तो हम सब लोग चाय पी रहे थे, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ अनुराग किससे बात कर रहा था फोन। एक्चुअली सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, अनुराग को किसी का फोन आया था। जोर डालिए गिरीश, दिमाग पर, फोन आया था ये तो पक्का है। हाँ सर, याद आया, एक फोन आया तो था, पर कोई लंबी बात नहीं हुई थी उस पर। हेलो, सॉरी सर, वैसे ठीक से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। गिरीश, फोन सिर्फ 30 सेकंड का। हाँ सर, तो कोई रॉन्ग नंबर भी तो हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ये नंबर हमारे केस के लिए एकदम राइट भी हो सकता है। 444-56734, पहचानते हो इस नंबर को? नहीं, पता नहीं सर, ये हमारे सर्कल में से तो किसी का नहीं लगता, पर आप फिर भी एक बार नंबर लिखवा दीजिए, जैसे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। सुरागों की अंधी गली में एक तिनका पुलिस के हाथ लगा था, और वो था वो रहस्यमय फोन कॉल जो अनुराग को मर्डर के 10 मिनट पहले आया था। पुलिस को शक था कि ये कॉल इस केस की गुत्थी को सुलझा सकता है। और दूसरी तरफ इस केस का प्राइम सस्पेक्ट चिंतन प्रधान अब भी गायब था। क्या वो जेरटपुर में अपने रिश्तेदार के यहां छुपा हुआ था? जी, चिंतन को बुलाओ। आप लोग कौन? आप उसे बाहर बुला रहे हैं या फिर हम खुद अंदर से घसीटते बुला? सर, वो यही है, लेकिन अभी बाहर गया है। कहाँ गया है? बाजार गया है, 10-20 मिनट में आ जाएगा सर। पक्का? जी सर। We'll be right back.
जाएगा, आप तो बताइए चिंतन ने किया क्या है। आप मेरा फोन देख लीजिए, चिंतन का एक ही नंबर है मेरे पास, जो आपके पास भी है, दूसरा कोई नंबर है ही नहीं उसके पास। हमेशा कहे कि चिंतन ने एक टीवी जर्नलिस्ट अनुराग प्रधान का मर्डर किया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब। क्यों क्यों नहीं हो सकता? चिंतन गुस्से वाला जरूर है, लेकिन खून का इतनी देर कर दी? तुमने भी बहुत देर कर दी हमारे हाथों में आने में। कौन कौन है आप लोग, क्या चाहिए? तुम चाहिए, चलो पुलिस स्टेशन। अरे अपना आईडी कार्ड दिखाओ, रास्ते में दिखाते हैं। कैसे पकड़ सकते हो? अरे छोड़ो मुझे, अरे ऐसे कैसे पकड़ सकते हो तुम लोग मुझे? अरे छोड़ो, अरे अरे किस सेक्शन में अंदर कर रहे हैं आप मुझे? मुझे अरे मैं वकील हूं। अरे डीएम से बात करो, मेरी डीएम को फोन लगाओ। तुम लोगों की खैर नहीं है, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, सस्पेंड नहीं, अगर डिसमिस ना करवाया ना तो मेरा नाम एडवोकेट चिंतन प्रधान नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ मेरी मेरी क्या प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम तो आप लोगों को होने वाली है, जानते नहीं कौन हूं मैं? एडवोकेट हूं एडवोकेट। अपने राइट्स बताए मुझे, पुलिस प्रोसीजर पता है मुझे, बताइए मुझे किस सेक्शन के तहत अरेस्ट किया आपने मुझे? अरे वकील बाबू, हमने आपको अरेस्ट कहाँ किया है, हम तो बस आपको उठा लाए ऐसी थोड़ी गुफ्तगू करने के लिए। मिस्टर चिंतन प्रधान, या तो हम आपको फॉर्मली अरेस्ट कर सकते हैं, फिर हमें आपको कोर्ट में पेश करना होगा वगैरह वगैरह, या फिर ऐसे ही किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम मिले। बातें हुई, किस किस तरह की बातें हुई, किसकी जबान चली और किसकी बैल चली, तो आप ही बताइए एडवोकेट साहब, हम आपको अरेस्ट करें या फिर ऑफ द रिकॉर्ड कुटें, वो भी पूरी तरह से? नहीं नहीं, मुझे दोनों मंजूर नहीं है। वेरी गुड, हो जाओ शुरू और बताओ कि तुमने अनुराग प्रधान का कत्ल क्यों करवाया? इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि अनुराग के परिवार के साथ मेरी दुश्मनी है, लेकिन उसके कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। शेयर है तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स, जब अनुराग प्रधान का कत्ल हुआ तब से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था, और तुम्हारे फोन की आखिरी लोकेशन है बेलकातुंड रोड, जहां पर अनुराग का कत्ल हुआ था, और जिस वक्त अनुराग का कत्ल हुआ ठीक उस वक्त तुम वहां पर मौजूद थे। वकील बाबू, इस कत्ल में तुम्हारा हाथ नहीं है, बल्कि तुम पूरे के पूरे वहां मौजूद थे। इस कत्ल में तुम्हारा हाथ नहीं है, बल्कि तुम पूरे के पूरे वहां मौजूद थे। इंस्पेक्टर साहब, उस रात मैं अपने क्लाइंट के घर गया था शिपो में, मुझे उसके भाई की जमानत करानी थी। सारी बातचीत हो गई और सारे पेपर्स वगैरह तैयार करके मैं बेलगातुंड के लिए वापस लौट रहा था, तो रास्ते में अनुराग पड़ा मिला, वो मर चुका था। मजा नहीं आया वकील बाबू, घटिया से घटिया क्राइम नॉवल में भी इससे बढ़िया भागने दिए जाते। ये इत्तफाक जरूर है, लेकिन सच यही है। तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके भाग जाना, ये भी इत्तफाक है। वो तो मैं जानबूझकर भाग गया था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक वकील बेगुनाह होकर भी भाग रहा है?
मैं मानता हूँ इंस्पेक्टर साहब कि मेरी अनुराग, सुरेश और सुब्रत से पुरानी दुश्मनी है और ये बात सब जानते हैं। और ऊपर से अनुराग के कत्ल के 4 दिन पहले मैं उसके घर जाकर धमकी भी दे आया। मैं ये सब नहीं करना चाहता था लेकिन गुस्से में, गर्मा गर्मी में हो गया ये सब। भागे क्यों? अगर भागता नहीं तो सबसे पहले आप लोग मुझे अरेस्ट करते, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक असली कातिल पकड़ा नहीं जाता है मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। इसलिए 4 दिन छुप कर बैठ कर सोच सोच कर इतना घटिया बहाना सोचा है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस रात अपने क्लाइंट के घर से वापस आ रहा था। ठीक है, क्लाइंट का नाम? वीरेंद्र माली। यही वो कागजात हैं जो चिंतन बाबू तैयार कर रहे थे उस रात। आपके भाई की बेल एप्लीकेशन? जी हाँ, आप यहाँ पास में उसका किसी से झगड़ा हो गया था, गिरफ्तार हो गया था वो। ये लीजिए वीरेंद्र जी, अब आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल सुबह 11 बजे केस की सुनवाई होगी और दोपहर का खाना आपका भाई आपके साथ बैठ के खाएगा। शुक्रिया चिंतन बाबू। अच्छा वीरेंद्र जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। कितने बजे था जब चिंतन प्रधान आपके घर से निकला? यही कोई 9 या 9:15 बजे होंगे। पुलिस हर मुमकिन सुराग ढूंढने की कोशिश में थी। मुख्य आरोपी चिंतन प्रधान पुलिस की कस्टडी में तो आ गया था लेकिन क्या वो वाकई मुख्य आरोपी था? चिंतन प्रधान की सभी डिटेल्स चेक की गई, उसके फोन रिकॉर्ड से लेकर उसकी सारी मोमेंट्स को मैप किया गया लेकिन चिंतन को अनुराग प्रधान की हत्या से जोड़ने वाला एक भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस को अब सीरियस डाउट होने लगा कि शायद चिंतन सच बोल रहा है और वाकई अनुराग का कातिल कोई और ही है। सर, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि आप लोग गलत ट्रैक पे, और सबसे गलत ट्रैक पे तो वो लोग हैं जो सबसे सीधे नजर आ रहे हैं। किसकी तरफ इशारा? अब इस दुनिया में कोई नई बात तो है नहीं कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल ना करवाया। हो सकता है कि सुरेश ने मेरी दुश्मनी का सहारा लेकर अपने भाई का कत्ल करवा दिया हो और उसका इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। हो सकता है ना? आप लोगों ने छोड़ दिया उसे? उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं बन रहा था। पूरे गांव में किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग उसके खिलाफ बुराई बोलेंगे। उसने घर आकर मेरी पूरी फैमिली को धमकी दी थी। उसने इल्जाम लगाया था कि मैंने उस पर अटैक करवाया। एडवोकेट सुरेश, यह भी तो हो सकता है कि कोई है जो चिंतन और तुम्हारे परिवार की दुश्मनी को सामने रखकर अनुराग से कोई अलग ही दुश्मनी निकाल रहा था, जो जानता था कि सबका शक चिंतन पर ही जाएगा। सर, कातिल चिंतन ही है जो लॉयर बना घूम रहा है। अनुराग के कत्ल का मास्टरमाइंड वही है। हर मास्टरमाइंड के दिमाग की एक मास्टर चाबी हमारे हाथ सुराग बनकर रखी जाती है। रिमोट कंट्रोल चलाने वाला वो मास्टरमाइंड भी अंदर होगा और चौपर चलाने वाला वो क्राई का टट्टो भी। सर, अनुराग प्रधान की फैमिली की पूरी छानबीन की। एक्चुअली कुछ नहीं है सर, अनुराग, सुरेश और सुब्रत इन तीनों भाइयों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। इनकी पत्नियों के संबंध भी अच्छे थे। इनफैक्ट अनुराग और सुरेश तो साथ में बिजनेस करते थे, छोटे मोटे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स उठाते थे। सुरेश के लिए ये वकालत के बाद एक साइड बिजनेस था और अनुराग तो पत्रकारिता सिर्फ शौक के लिए करता था। इन कॉन्ट्रैक्ट्स, इन ठेकों में कभी कोई प्रॉब्लम, कोई अंदर? इनका अच्छा टाइम चल रहा था, काफ़ी काम था दोनों के पास। फिर ऐसा क्या है जिस वजह से इसका मर्डर किया गया? इस केस की चाबी हाथ क्यों नहीं लग रही? वो नंबर जिससे कत्ल से 10 मिनट पहले अनुराग प्रधान को फोन किया गया था। त्रिवेदी, उस नंबर का पता करो वो किसका था। अरे भाई, फाइल का नाम तो बताओ। अच्छा ठीक है, मैं टाइमलाइन में चेक करके कॉल बैक करता हूँ। ये संबित, मिल गई तेरी फाइल। क्या है उस फाइल में? वही है जो ढूंढ रहा है।
फैक्ट्री वाली फुटेज ना, बच्चों वाला। बच्चों वाला? नहीं नहीं एक मिनट, कौन सा फुटेज देख रहे तू? यार ये स्टिंग ऑपरेशन है फैक्ट्री में, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, प्लास्टिक आइटम्स पैक कर रहे हैं। अरे कौन से बच्चे, कौन से प्लास्टिक फैक्ट्री की फुटेज? मैंने कहा था ना तुझे मेरी स्टोरी अलग है। अरे मेरा फुटेज ना खादी फैक्ट्री का है, प्लास्टिक फैक्ट्री का नहीं है। कौन से प्लास्टिक फैक्ट्री की बात कर रहे हो? अरे नहीं सर, वो मैंने खादी फैक्ट्री का फुटेज लिया था सर, अपने एडिटर को मिल नहीं रही है वो, पता नहीं कोई प्लास्टिक फैक्ट्री का फुटेज देख रहा है वो, मैं चेक करके आता हूँ सर। नमस्ते सर। किधर? इस तरफ। हाँ भला बोल। साहब वो आप अनुराग मर्डर केस के बारे में मसाला ढूंढ रहे हैं ना? कुछ पता चला? साहब पता तो आपको लगाना पड़ेगा। मुझे तो बस इतना पता चला है कि अनुराग के साथ काम करने वाले किसी एक बंदे के साथ कनेक्शन है। नाम बोल भला। एक गिरीश चौहान है, उसके साथ जो काम करता है। गिरीश चौहान? थोड़ा राइट में आओ, इधर ही बोलो। साहब हमारे गांव के चौधरी ने हम किसानों से वादा किया था कि हम सब किसानों की ज़मीन को बराबर पानी मिलेगा, चाहे कोई छोटा किसान हो या बड़ा। तुम्हारे खेतों में ना तो फसल है और ना पानी। वो इसलिए साहब क्योंकि पानी हमारे खेतों को आया ही नहीं, हमारे हिस्से का पूरा पानी चौधरी खा गया, हमारी फसल सूख चुकी थी, इसलिए मजबूरन हमें उसे काटना पड़ा। तुमने चौधरी से बात की, तुम्हें पानी क्यों नहीं मिला? कई बार बात की साहब, लेकिन हर बार उनका एक ही जवाब होता है, पानी कोई फोकट की जागीर नहीं है, पानी चाहिए तो पैसा दो और पानी ले जाओ। गिरीश चौहान? जी सर, गिरीश चौहान जो कत्ल के पहले अनुराग के साथ था। लेकिन उसने तो कहा था कि उसे कुछ अटपटा नहीं लगा था, उसे तो वो फोन कॉल भी ठीक से याद नहीं है जो अनुराग प्रधान को आया था। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? ये गिरीश सच कह रहा है कि उसे वो फोन कॉल याद नहीं है या फिर ना जानने का ढोंग कर? सर ढोंग करने की वजह जरूर होगी उसके पास। एक बात और त्रिवेदी, ये बार बार हमारी शक की सुई को चिंतन की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। ओहो वीरेंद्र साहब, आप खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। देखिए आप तो जानते हैं ना कि एक बार मैंने जबान दे दी मतलब दे दी, आपका काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अरे वीरेंद्र साहब हम एम ए वकील थोड़ी हैं, और आप तो जानते हैं ना मेरे काम के बारे में। ओके अच्छा जी, नमस्कार। पापा मैं पुलिस पर प्रेशर बना के रखूंगा, अनुराग को मारने वाले जल्दी बच नहीं पाएंगे। चौधरी साहब आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, हमारा चैनल पूरे अरीनाबाद में सबसे ज्यादा देखा जाता है, और चैनल देखने के पैसे भी नहीं लगते। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब लोग देख रहे होंगे, ये आज रात को न्यूज बनकर हमारे चैनल पे दिखाई जा सकती है और हमेशा के लिए दफनाई भी जा सकती है। ये भी हो सकता है और वो भी। इसे ना दिखाने की कीमत? स्ट्रिंगर जर्नलिस्ट अनुराग प्रधान की हत्या क्यों की गई थी? क्या वो कोई ऐसी खबर दुनिया तक पहुंचाने वाला था जो किसी तरह का धमाका कर सकती थी? क्या ये वाकई एक फैमिली दुश्मनी वाला मामला था जिसमें पुलिस चिंतन प्रधान के खिलाफ केस बना नहीं पाई थी? अनुराग के कलीग गिरीश चौहान की इसमें क्या भूमिका थी? क्या वो सिर्फ एक स्ट्रिंगर था या फिर ऐसा था कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और ही था? इस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की मास्टर चाबी थी वो 30 सेकंड का फोन कॉल जो हत्या के 10 मिनट पहले अनुराग को आया था, लेकिन पुलिस अभी तक यह नंबर ट्रैक डाउन नहीं कर पाई थी। क्या वो नंबर इस केस का रुख बदलने वाला था? खबरों का कारोबार बड़ा ही पेचीदा है। सच और न्याय की मंडी में पेड न्यूज अक्सर असली मसलों पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। छोटे छोटे गांव और कस्बों में ऐसे कई स्ट्रिंगर्स हैं जिन्हें स्टोरी टू स्टोरी बेसिस पर बहुत ही कम रेट्स दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये स्ट्रिंगर्स अपनी जान लगाकर काम करते हैं, पर अक्सर उनकी वीडियो रिपोर्ट्स टेलीकास्ट ही नहीं होती हैं।
या फिर उनकी कहानियों को ग्रो होने का समय और मौका ही नहीं दिया जाता। स्ट्रिंगर्स अपने कैमरा में जरूरी मुद्दों को कैद कर सरकार और समाज का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, पर कभी कभी कुछ स्ट्रिंगर्स रिवर्स स्ट्रिंग भी करते हैं, जहां वो किसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित ना हो इस बात की कीमत लेते हैं और पत्रकारिता के व्यवसाय पर कालिख पोतते हैं। क्या अनुराग ने कोई ऐसी खबर खोज निकाली थी जिसे कुछ लोग दबाना चाहते थे? क्या उस खबर की चिंगारी आग बनने की धमकी दे रही थी? इन सभी सवालों के जवाब हम लेकर आएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।